वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसके अंदर हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है कंप्रेसर। ओके फ्रेंड्स, बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, राइट। इस टॉपिक की अगर मैं बात करता हूँ तो जो RTO का एग्जाम होता है, RTO दैट इज असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर या रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जिसको कहा जाता है, इस एग्जाम में इस कंप्रेसर टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन RTO के एग्जाम अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक करोगे तो हर साल आपको एटलीस्ट जो है 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ RTO में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के ऊपर। ओके, और ये टॉपिक पढ़ना जरूरी भी है हमें, क्यों? क्योंकि हम आगे जाके पावर प्लांट पढ़ेंगे, जैसे कि गैस टर्बाइन पावर प्लांट। तो गैस टर्बाइन पावर प्लांट में हम अलग अलग गैस टर्बाइन पावर प्लांट की इफिशियंसी इंक्रीज करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि हम यूज करते हैं वहां पर इंटरकूलिंग या रीजनरेशन या रीहीटिंग। तो इंटरकूलिंग क्या होता है, कैसे किया जाता है, वो हम यहाँ पर उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे, क्योंकि इंटरकूलिंग इज अ बेसिकली पार्ट ऑफ अ कंप्रेसर। ठीक है, तो इंटरकूलिंग क्या होता है और कैसे करते हैं तो हम यहाँ पे उसको समझेंगे, तभी जाके हमें जो है पावर प्लांट में इंटरकूलिंग प्रॉपरली समझ में आएगा। ठीक है, ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्रेसर से, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कंप्रेसर है क्या, कंप्रेसर है क्या। तो बेसिकली इट इज़ अ डिवाइस, कौन सा डिवाइस है, इट इज़ अ ओपन सिस्टम डिवाइस। कंप्रेसर इज अ ओपन सिस्टम, हमने पढ़ा था ना, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, है ना। तो कंप्रेसर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ ओपन सिस्टम, मतलब ओपन सिस्टम मतलब क्या, मास एंड एनर्जी बोथ आर हैविंग परमिशन टू एंटर द सिस्टम एंड टू लीव द सिस्टम। तो बेसिकली इट इज अ ओपन सिस्टम डिवाइस विच इज यूज्ड टू कंप्रेस द, ये कंप्रेस करने के काम में आता है, विच इज यूज्ड टू कंप्रेस द गैसेस वेपर्स और एयर, गैस को या वेपर को या एयर को कंप्रेस करने के ये काम में आता है, कौन, कंप्रेसर। ठीक है, देखिए अगर मैं बात करता हूँ गैस वेपर या एयर को कंप्रेस करने के लिए तो मैं यूज करता हूँ कंप्रेसर, लेकिन अगर मैं लिक्विड को कंप्रेस करना है मुझे, लिक्विड को, तो उसके लिए मैं कंप्रेसर यूज नहीं कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, फिर पंप यूज करूंगा, पंप। ओके, और पंप के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, पंप क्या होता है, जैसे हम इस लेक्चर में कंप्रेसर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे उसी तरह पंप के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, हाइड्रोलिक मशीनरी के अंदर, हाइड्रोलिक मशीनरी के अंदर हमको 2 टॉपिक पढ़ने हैं, एक हाइड्रोलिक पंप और दूसरा हाइड्रोलिक टर्बाइन, तो वहां पर हम पंप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सो बेसिकली कंप्रेसर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज टू कंप्रेस गैस वेपर, ओके, वेपर और एयर, इसको कंप्रेस करने के लिए काम में आता है, राइट। लेकिन ये जो कंप्रेसर है, जो कंप्रेस कर रहा है गैस को, वेपर को या एयर को, क्या ये अपने आप कंप्रेस करेगा क्या, नहीं, ये अपने आप कंप्रेस नहीं करेगा, हमें इसके लिए इसको वर्क देना पड़ेगा। तो बेसिकली दिस इज अ वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस, वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस। तो कंप्रेसर की डेफिनेशन क्या है, अ कंप्रेसर इज अ ओपन सिस्टम डिवाइस which is used to compress the gas, vapor or air, and for that purpose we need to supply the work to the compressor. Clear है? Okay, so लिख लेते हैं फटाफट इसको, write down. A compressor is a open system device. Which is used to compress the gas, vapor or air. And for that purpose, work need to be supplied from outside. ठीक है फ्रेंड्स, ये कंप्रेसर जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आगे जाके हमें RAC पढ़ना है, RAC के अंदर हम पढ़ेंगे वेपर कंप्रेशन साइकिल, जहां पर कंप्रेसर हम यूज करते हैं। ओके, तो वहां पर हमें कंप्रेसर की बहुत सारी बातें हमको काम में आएगी जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। आगे जाके हम IC इंजन पढ़ने वाले हैं,
है ना, आईसी इंजन के अंदर भी हम कंप्रेसर यूज़ करते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं, तो वो कंप्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे किया जाता है ना, तो वो भी यहाँ से हमें क्लियर होगा। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। सो देखिए हमने क्या बोला, कंप्रेसर क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कंप्रेस द गैस, वेपर और एयर, राइट, एंड फॉर दैट पर्पज वर्क नीड टू बी सप्लाई फ्रॉम आउटसाइड। लेट अस कंसिडर दिस इज अ कंप्रेसर, ये एक कंप्रेसर है राइट, जिसके अंदर एयर एंटर करता है और एयर लीव करता है। लेट एट द एंट्री द प्रेशर ऑफ एयर इज P1 एंड द एग्जिट द प्रेशर ऑफ एयर इज P2 एंड दिस इज कंप्रेसर। ये क्या है, कंप्रेसर है राइट, जिसको हमें वर्क सप्लाई करना पड़ता है, दिस इज वर्क इनपुट, वर्क इनपुट, ओके राइट। तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर होगा आपका P2 इज ग्रेटर देन P1, P2 क्या होगा, ग्रेटर देन P1 होगा, क्योंकि ये एयर को कंप्रेस करेगा, तो कंप्रेस करने से क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, साथ साथ टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, बट यहां पर जो हमारा मेन ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, प्रेशर। ठीक है, तो छोटा सा डायग्राम आप इसको फटाफट से निकाल लीजिए, ओके, इसको निकालने के बाद आप फटाफट से हेडिंग दे दीजिए, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, ओके, नाउ गिव द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। ठीक है, सो पहले देख लेते हैं, बाद में लिखेंगे। सो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर जो है, सो बेसिकली द कंप्रेसर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, ओके, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर मतलब क्या, ओके, सो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज अ कंप्रेसर इन विच एयर इज कंप्रेस्ड, हम उसको एयर को कंप्रेस करते हैं बाय पॉजिटिवली डिस्प्लेसिंग द एयर फ्रॉम हायर वॉल्यूम टू द लोअर वॉल्यूम। ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंप्रेसर इन विच एयर इज कंप्रेस्ड बाय पॉजिटिवली डिस्प्लेसिंग द एयर फ्रॉम हायर वॉल्यूम टू द लोअर वॉल्यूम इनसाइड अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, inside a piston cylinder arrangement, right? That means the rise in pressure of air is obtained by decreasing its volume, So now, हम क्या करेंगे? एक piston cylinder device के अंदर हम क्या करेंगे? एक air को ले लेंगे, okay? और हम क्या करेंगे? उस air को compress करेंगे, कैसे? Piston को move करके, पिस्टन को मूव करके। तो यहां पर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट जो कंप्रेसर है वो कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो यहां पर हम एयर का वॉल्यूम कम करते हैं और बदले में एयर का प्रेशर इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल ले लो, सिरिंज, जो डॉक्टर के पास इंजेक्शन होती है ना, तो वो क्या है, एक प्रकार का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर है। क्लियर है, समझ में आ गया। हम सिरिंज के अंदर पानी भर लेंगे और एक एंड जो है उसको हम, या फिर सपोज सिरिंज के अंदर पानी नहीं भरेंगे तो ऐसे ही एयर में भी आप सिरिंज को ऐसे करिए तो एयर सक हो जाएगा उसके अंदर। अब जो उसका आउटलेट उसको क्लोज करिए और उसके बाद उसको दबाइए, तो क्या होगा, जब एयर है जो उसके अंदर, वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस होता जाएगा, उसका प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो दैट इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। समझ में आया, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर क्या होता है, अ कंप्रेसर इन विच राइज इन प्रेशर ऑफ एयर इज ऑब्टेन्ड बाय पॉजिटिवली डिस्प्लेसिंग द एयर फ्रॉम हायर वॉल्यूम टू द लोअर वॉल्यूम। ओके, क्लियर है, ठीक है, लिख लेते हैं इसको फटाफट से। सो गिव द हेडिंग पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, राइट ऑन, it is a type of a compressor in which rise in pressure of air is obtained, it is a type of a compressor in which rise in pressure of air is obtained by positively displacing the air from higher volume to the lower volume, by positively displacing the air from higher volume to the lower volume. That means
दैट मीन्स द राइज इन प्रेशर ऑफ एयर इज ऑप्टेन, दैट मीन्स राइज इन प्रेशर ऑफ एयर इज ऑप्टेन बाय डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ एयर ठीक है, एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका, एग्जाम्पल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। एग्जाम्पल क्या है इसका? रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट गिव द हेडिंग, डायनामिक कंप्रेसर। अब डायनामिक कंप्रेसर क्या होता है पहले देख लेते हैं। सो डायनामिक कंप्रेसर बेसिकली क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ अ कंप्रेसर इन विच व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इनिशियली सप्लाइंग सम हायर काइनेटिक एनर्जी टू द एयर। विद द हेल्प ऑफ अ रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ कंप्रेसर विच इज कॉल्ड एज, जैसे कि रोटेटिंग पार्ट जो कंप्रेसर का होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? इंपेलर। विद द हेल्प ऑफ सम रोटेटिंग पार्ट ऑफ अ कंप्रेसर कॉल्ड एज अ इंपेलर। ठीक है, एयर को हम पहले काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, घुमाएंगे एयर को, काइनेटिक एनर्जी देंगे, एंड दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर। और उसी काइनेटिक एनर्जी को हम बाद में क्या करेंगे? प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डिफ्यूजर, है ना। डिफ्यूजर ये क्या होता है? ये एक एलिमेंट है, ये एक डिवाइस है। इस डिफ्यूजर का काम क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी, दैट मींस वेलोसिटी को कम करना और प्रेशर को इंक्रीज करना। आए समझ में? तो यहां पर हम डायनेमिक कंप्रेसर के अंदर क्या करते हैं? पहले एयर को काइनेटिक एनर्जी देंगे और बाद में उस काइनेटिक एनर्जी को डिफ्यूजर की मदद से हम प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज अ डायनेमिक कंप्रेसर। क्लियर है? समझ में आ गया? व्हाट इज डायनेमिक कंप्रेसर? इट इज अ टाइप ऑफ अ कंप्रेसर इन विच इनिशियली सम काइनेटिक एनर्जी इज इंपार्टेड टू एयर बाय मीन्स ऑफ रोटेटिंग मशीन एलिमेंट, एंड लेटर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ अ डिफ्यूजर। दैट इज कॉल्ड एज अ डायनेमिक कंप्रेसर। ओके, और डायनेमिक कंप्रेसर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो वो है आपका सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, एंड नेक्स्ट वन इज एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। बेस्ट एग्जाम्पल इज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। राइट, तो यहां पर हमने तीन कंप्रेसर के नाम लिखे हैं, एक है रेसिप्रोकेटिंग, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल और तीसरा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। और यही तीन कंप्रेसर्स हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। कंप्रेसर और बहुत सारे प्रकार के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा, अब यहाँ पे नाम भी उनके लिखवा के भी दूंगा, लेकिन डिटेल में हमको पढ़ना है इन तीन कंप्रेसर्स के बारे में, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ओके, सो पहले डायनेमिक कंप्रेसर क्या होता है इसको लिख लेते हैं। सो राइट डाउन डायनेमिक कंप्रेसर। राइट डाउन, इट इज अ टाइप ऑफ अ कंप्रेसर In which initially some kinetic energy is given to the air. Air with the help of a rotating machine element. And later. That kinetic energy of air is converted into pressure energy with the help of a diffuser. That means rise in pressure of air is obtained by means of dynamic action. Okay, example centrifugal compressor and axial flow compressor. ठीक है, ओके। सो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर।
कंप्रेसर इज फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डेवलप्ड, राइट। तो सेकंड क्लासिफिकेशन लिखिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डेवलप्ड, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डेवलप्ड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेशर डेवलप्ड। तो पहला लिखिए इसके अंदर लो प्रेशर, लो प्रेशर कंप्रेसर, फर्स्ट वन इज लो प्रेशर कंप्रेसर, उसके अंदर लिखिएगा अप टू 10 बार, अप टू 10 बार, जो कंप्रेसर अप टू 10 बार ऑफ प्रेशर डेवलप करता है दैट इज कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ लो प्रेशर कंप्रेसर। सेकंड वन इज मीडियम प्रेशर, मीडियम प्रेशर, मीडियम प्रेशर मतलब कितना, 10 to 80 bar, 10 to 80 bar, ठीक है, 10 से लेकर 80 बार तक का प्रेशर वो डेवलप कर सकता है, 10 to 80 bar, ठीक है। थर्ड वन इज हाई प्रेशर कंप्रेसर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर मतलब कितना प्रेशर डेवलप करेगा वो, अबाव अबाव 80 bar, ओके, अबाव 80 bar, ठीक है। सो दिस इज वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। और एक क्लासिफिकेशन है कंप्रेसर का, और एक क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट राइट ऑन, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन राइट ऑन, डिपेंडिंग अपॉन, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी, डिपेंडिंग अपॉन वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी, ठीक है। सो फ्रेंड्स, जो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी है ना कंप्रेसर का, वो एक्सप्रेस किया जाता है, वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी जो कंप्रेसर का है ना, वो एक्सप्रेस किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मीटर क्यूब पर मिनट। ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, SSC पेपर ले लो आप, या फिर आप RTO का एग्जाम का पेपर ले लो, राइट। तो बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्रेसर इज एक्सप्रेस्ड इन, सो इट इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी ये क्या होता है, हम आगे जाके इसको डिटेल में पढ़ने वाले, बट उसका यूनिट क्या है, मीटर पर क्यूब, मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। सो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी क्या होता है आपका, फिर अगेन लो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी, लो वॉल्यूम हैंडलिंग मतलब कितना, अप टू 9 meter cube per minute, 9 meter cube per minute, 9 meter cube per minute या उससे कम अगर वॉल्यूम हैंडल करता है, दैट इज कैटेगराइज अंडर द कैटेगरी ऑफ लो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी, ओके। सेकंड वन इज मीडियम, मीडियम, मीडियम मतलब कितना, 9 to 3000, 9 meter cube per minute टू 3000 meter cube per minute, ठीक है, मीडियम। एंड थर्ड वन इज हाई, हाई में कितना आएगा, अबाव अबाउ 3000 meter cube per minute, अबाउ 3000 meter cube per minute, ठीक है, क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है, ओके। सो दिस इज क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, राइट। और भी क्लासिफिकेशन है कंप्रेसर की, कंप्रेसर अलग अलग प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, ओके। ठीक है, जैसे कि यहां पे आपको दिख रहा है फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, ठीक है। सो कंप्रेसर इज बेसिकली ऑफ टू टाइप, जैसे हमने देखा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट एंड डायनामिक कंप्रेसर। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मैंने आपको बताया, डायनामिक कंप्रेसर क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, राइट। नाउ दिस पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्लासिफिकेशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर एंड सेकंड वन इज रोटरी कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग एंड सेकंड वन इज रोटरी कंप्रेसर, ठीक है। नाउ दिस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर, डबल एक्टिंग कंप्रेसर एंड डायफ्राम टाइप ऑफ कंप्रेसर, सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग एंड डायफ्राम कंप्रेसर, ठीक है। एंड रोटरी कंप्रेसर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू लोब, लिक्विड रिंग, स्क्रू, स्क्रॉल एंड वैन, ठीक है, लोब, लिक्विड रिंग, स्क्रॉल, स्क्रू एंड वैन कंप्रेसर, ओके। ये 5 टाइप ऑफ रोटरी कंप्रेसर है अवेलेबल, राइट। एंड डायनामिक कंप्रेसर इज क्लासिफाइड इनटू सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर, ठीक है। सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ, दीज आर द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर। इसको आप क्या करिए, फटाफट से लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके इसको आप क्या करिए, लिख लीजिए, ठीक है। हो सकता है आपको पूछा जाए, ठीक है ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली 2 टाइप, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी, रेसिप्रोकेटिंग सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, डायफ्राम।
रोटरी लोब वेन स्क्रू स्क्रॉल लिक्विड रिंग, ये सारे रोटरी कंप्रेसर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, राइट? सो यहां पर हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्रेसर क्या होता है ये हमने यहां पर देखा। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे किसको, तो पहले हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो गिव द हेडिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर तो बेसिकली मैंने आपको बताया इट इज अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, इट इज अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। सो दिस इज अ ओके, ओके, सिंपल सा अगर हम डायग्राम यहां पे देखते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में क्या होता है, दो वॉल होते हैं सिंपली, वन इज सक्शन वॉल एंड अदर वन इज डिस्चार्ज वॉल। सॉरी यहां पे वॉल उल्टे दे दिए मैंने, राइट? इट कंसिस्ट ऑफ टू वॉल्स, राइट? वन इज द सक्शन वॉल एंड अदर वन इज द डिस्चार्ज वॉल, ठीक है, अदर वन इज द डिस्चार्ज वॉल। ओके ओके फ्रेंड्स, सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ठीक है। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को अब हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या है, राइट? तो फ्रेंड्स देखिए, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में हमको यहाँ पर जो पढ़ना है, तो इट इज बेसिकली हमें दो प्रकार के रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में पढ़ना है। पहला एक आइडियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, उसके बाद एक्चुअल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। अब आइडियल और एक्चुअल मतलब क्या, तो देखिए जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, तो ये होता क्या है, इट इज़ अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, है ना? ये एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है। सपोज ये है एक उसका पिस्टन, है ना, जिसके अंदर एयर आता है, एयर आता है और उसको हम कंप्रेस करते हैं। सो लेट दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, इतना वॉल्यूम सिलेंडर का है जिसके अंदर एयर आने वाला है और हम उस एयर को क्या करने वाले हैं, कंप्रेस करने वाले हैं, राइट? लेकिन यहां पर क्वेश्चन आता है कि देखिए जितना वॉल्यूम सिलेंडर का है क्या उतना ही एयर अंदर आएगा, क्या उतना ही एयर अंदर आएगा क्या? नहीं, उतना एयर अंदर नहीं आएगा। यहां पर अलग अलग चीजें होती है, जैसे कि सबसे पहले तो हम यहां पर एक छोटा सा स्पेस छोड़ देते हैं, इस स्पेस को हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम हम इसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो स्पेस हम छोड़ते हैं, ठीक है, उसके बाद भी मतलब स्पेस हम छोड़ते हैं, तो ये जो बची हुई स्पेस है ना, ये क्लियरेंस वॉल्यूम काट दिया, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को कंप्रेसर की भाषा में कहा जाता है वी एस, दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम। ओके, फिलहाल इन चीजों को लिखना नहीं है, हम लिखेंगे इन सब के बारे में। तो छोटी सी स्पेस हम यहाँ पे छोड़ देते हैं, छोटी सी स्पेस को हम क्या कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम, ओके, ठीक है ना। और उसके बाद जो बची हुई स्पेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम। जिस स्वेप्ट वॉल्यूम मतलब क्या, ये वो वॉल्यूम होता है जहां पर हम, जहां पर हमारा पिस्टन ट्रैवल करता है, तो वॉल्यूम स्वेप्ट बाय द पिस्टन, राइट? यहां से लेकर यहां तक पिस्टन ट्रैवल करेगा, इसके आगे पिस्टन नहीं आ पाएगा। ये क्लियरेंस वॉल्यूम हम क्यों छोड़ते हैं, ताकि हम यहां पर वॉल्स प्रोवाइड कर सके, सक्शन वॉल डिस्चार्ज वॉल हम यहां पर प्रोवाइड कर सके, ठीक है। अब अगेन पहले हमने क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है, तो इतना है टोटल वॉल्यूम, है ना? तो हमने देखा क्या इतना वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर आएगा क्या, तो हमने बोला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमने छोटा सा स्पेस यहां पर छोड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम, है समझ में? तो अब अगेन सेम क्वेश्चन कि क्या स्वेप्ट वॉल्यूम, अब हमारे पास जो वॉल्यूम है वो है स्वेप्ट वॉल्यूम,
तो क्या अब स्वेप्ट वॉल्यूम जितना वॉल्यूम एयर वॉल्यूम ऑफ एयर अंदर सिलेंडर में आएगा क्या? नहीं, स्वेप्ट वॉल्यूम जितना वॉल्यूम भी एयर का अंदर सिलेंडर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो उसका भी एक रीजन है, यहां पर कुछ लॉसेस होते हैं, लॉसेस, एक्सपांशन लॉसेस, ठीक है, एक्सपांशन लॉसेस होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं मैं आपको आगे जाकर डिटेल में बताऊंगा। तो हमने ये एक्सपांशन लॉसेस भी हटा दिए वहां से, सपोज ये है एक्सपांशन लॉसेस, तो जो बचा हुआ वॉल्यूम है ना ये वाला, इस वॉल्यूम को कहा जाता है एक्चुअल वॉल्यूम, एंड दिस मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज गोइंग टू एंटर इन टू द सिलेंडर, ठीक है, इतना वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर आएगा एयर का, राइट। लेकिन हम अभी जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट, उसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम उसके अंदर आइडियल कंडीशन अज्यूम करने वाले हैं, मतलब वहां पर क्लियरेंस वॉल्यूम भी नहीं होगा, वहां पर लॉसेस भी नहीं होंगे, तो पूरा का पूरा ये जो वॉल्यूम है इतना वॉल्यूम सिलेंडर के अंदर आएगा। पहले हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बाद में हम पढ़ेंगे एक्चुअल कंप्रेसर के बारे में, ठीक है, ओके। सो देखते हैं सिंपल या आइडियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो सिंपल या आइडियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हुए जो, वो सिंपली क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, वो क्या है, एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, जहां पर हमने क्या प्रोवाइड किया हुआ है, जहां पर हमने सक्शन एंड डिस्चार्ज वॉल प्रोवाइड किए हुए हैं, ये हमारे डिस्चार्ज वॉल और ये है सक्शन वॉल, ठीक है, जहां पर हमने सक्शन एंड डिस्चार्ज वॉल्स प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है, ओके, यहां से सक्शन होगा, दिस इज सक्शन एंड दिस इज डिस्चार्ज, सिंपल सा डायग्राम हमने यहां पे निकाला है, ठीक है, ये क्या है, सो दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज पिस्टन, ठीक है, ओके, ये कौन सा है, सक्शन वॉल, दिस इज डिस्चार्ज वॉल, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल सा डायग्राम है, राइट, ओके, वीडियो पॉज करके इसको आप ड्रॉ कर लीजिए। सो देखते हैं सिंपल सा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर क्या होता है। सो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, ये कौन सा कंप्रेसर है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कंप्रेसर, जो हमने देखा, राइट, ओके, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ दिस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज लो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी। इसका वॉल्यूम हैंडलिंग हमें क्लासिफिकेशन देखा ना, लो वॉल्यूम हैंडलिंग, मीडियम वॉल्यूम हैंडलिंग एंड हाई वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी। लो मतलब कितना था, अप टू 9 मीटर क्यूब पर मिनट। तो ये जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है ना, इसका वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी कितना है, तो 3 से लेकर 8 मीटर क्यूब पर मिनट, है ना, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसका वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी क्या है, लो है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज इट्स लो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी। तो इसका वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी लो क्यों है, बिकॉज ऑफ द डिसकंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर। डिसकंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर मतलब क्या, देखिए यहां पर दो स्ट्रोक्स हैं, फर्स्ट वन इज सक्शन, सेकंड वन इज कंप्रेशन। तो जब पिस्टन यहां मूव करेगा देन देयर विल बी अ सक्शन स्ट्रोक, और इस सक्शन स्ट्रोक के दौरान हमें एयर मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। हमें डिस्चार्ज मिलेगा क्या, नहीं। जब पिस्टन यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करेगा उस समय होगा डिस्चार्ज स्ट्रोक, तभी हमें डिस्चार्ज मिल पाएगा, एयर मिल पाएगा, राइट। सो लो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ डिसकंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक, देयर इज नो सप्लाई ऑफ एयर, आए समझ में, ठीक है। और इसका एडवांटेज क्या है, सो दिस कंप्रेसर इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द वेरी हाई प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर अप टू 1000 bar तक का भी प्रेशर हम इस कंप्रेसर के अंदर डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इंडस्ट्रीज में मैक्सिमम जो है ना रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर हाई प्रेशर चाहिए, हाई समझ में, ठीक है ना। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द वेरी हाई प्रेशर, बिकॉज दिस इज कैपेबल ऑफ डेवलपिंग द वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, दिस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस, कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस इन विच टू वॉल्स आर प्रोवाइडेड, राइट। दो वॉल जहां पर दिए जाते हैं, वन इज द सक्शन वॉल, अदर वन इज द डिस्चार्ज वॉल, प्रोवाइडेड ऑन द
ईदर साइड ऑफ अ ओके प्रोवाइडेड ऑन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। दो वॉल यहां पर दिए जाते हैं, वन इज अ सक्शन वॉल, अदर वन इज अ डिस्चार्ज वॉल। दीज आर द स्प्रिंग कंट्रोल्ड वॉल और स्प्रिंग लोडेड वॉल। स्प्रिंग कंट्रोल या स्प्रिंग लोडेड वॉल होते हैं, ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस देम। ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस देम मतलब क्या? ओके तो यहां पर क्या होगा, सक्शन स्ट्रोक के दौरान पिस्टन यहां मूव करेगा, है ना, और जब पिस्टन यहां मूव करेगा तो यहां पर होगा लो प्रेशर। यहां पर क्या होगा, लो प्रेशर, प्रेशर एटमोस्फियर से कम होगा और यहां पर होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमोस्फेरिक एयर अंदर आ रही है तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये वॉल ओपन करेगा, राइट। सिमिलरली जब पिस्टन यहां मूव करेगा इस डायरेक्शन में तो क्या होगा, यहां पर होगा हाई प्रेशर और यहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो प्रेशर डिफरेंस के कारण ये वॉल ओपन करेगा, राइट। दीज आर द स्प्रिंग लोडेड वॉल, ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस देम। एंड जनरली प्लेट प्लेट और डिस्क टाइप ऑफ वॉल्स आर यूज्ड। प्लेट या डिस्क टाइप ऑफ वॉल्स आर यूज्ड। क्लियर है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? डायग्राम आप लोगों ने पहले ही निकाला है, इसके अंदर लिख लेते हैं। राइट ऑन लिखिए। रेसिप्रोकेटिंग पॉइंट वन करके लिखिए इसके अंदर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज अ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ कंप्रेसर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The main disadvantage of reciprocating compressor is its low volume handling capacity, due to discontinuous supply of air, right? ओके, लो वॉल्यूम हैंडलिंग कैपेसिटी लिखा ना, तो ब्रैकेट में आप लिख दीजिएगा वहां पे 3 to 8 meter cube per minute। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इज कैपेबल ऑफ Producing very high pressure. ब्रैकेट में लिखिए up to 1000 bar. Capable of producing very high pressure. ओके, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए construction. Write down. In construction, it consists of A piston cylinder device. Along with two walls. Comma. One is suction wall and another one is discharge wall. These are spring controlled walls. Operated because of differential pressure across them. Next line. Plate or disc type of walls are used. ठीक है ना, कौन से वॉल यूज करते हैं, तो प्लेट या डिस्क टाइप ऑफ वॉल हम यूज करते हैं यहां पर। क्लियर है, समझ में आ गया? सो दिस इज अ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। तो यहां पर हम इसका पीवी डायग्राम देख लेते हैं। सो नेक्स्ट गिव द हेडिंग पीवी डायग्राम ऑफ सिंपल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। पीवी डायग्राम, ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर हम पीवी डायग्राम की यहां पर बात करते हैं, ठीक है ना, पीवी डायग्राम प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम की अगर हम यहां पे बात करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया
शुरू में ही मैंने आपको बताया, तो जो कंप्रेसर है ये कौन सा डिवाइस है? सो बेसिकली कंप्रेसर इज अ वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस, है ना। अगर ये वर्क एब्सॉर्बिंग डिवाइस है तो इसका साइकिल जो है वो कैसे घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका साइकिल यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वो कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज साइकिल आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर क्या होता है? सक्शन। सबसे पहले क्या होगा? सक्शन होगा, है ना, सक्शन। और जब एयर हम सक्शन करेंगे तो उस समय हम क्या अज्यूम करके चलते हैं कि प्रेशर ऑफ एयर इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट प्रेशर पे एयर सक हो रहा है। प्रेशर क्या है? एयर का कॉन्स्टेंट है। सो लेट दिस इज अ सक्शन प्रोसेस, सक्शन, ठीक है। अब सक्शन के बाद क्या होगा? कंप्रेशन, है ना। यहां पर तीन ही प्रोसेस होंगे, सक्शन, कंप्रेशन एंड डिस्चार्ज, सक्शन, कंप्रेशन एंड डिस्चार्ज, राइट। क्यों? क्योंकि एक्सपांशन जो है वो तो हम निग्लेक्ट कर रहे हैं। एक्सपांशन प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? निग्लेक्ट कर रहे हैं। एक्सपांशन होगा कैसे? तो देखिए क्या है कि सपोज हम क्लियरेंस वॉल्यूम को अगर अज्यूम करते हैं, क्लियरेंस वॉल्यूम को अज्यूम करते हैं, तो देखिए एयर जो है, अगर मैं कोई भी सीरिंज या कोई भी इंजेक्शन लेता हूं तो उसको जब मैं पानी में डालूंगा और उसको मैं पुश करूंगा जैसे ही, तो क्या जैसे ही थोड़ा सा उसको मैं पुश करूंगा तो पानी अपने आप अंदर आएगा? क्या नहीं? पहले इनिशियली थोड़ा पानी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पहले सिरिंज के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक और बाहर पानी का जो प्रेशर है वो भी एटमॉस्फेरिक है, है ना। तो जैसे ही थोड़ा सा पिस्टन मूव करेगा उसका, तो वहां पर एक निगेटिव प्रेशर डेवलप होगा, लो प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, उसके बाद पानी अंदर आना स्टार्ट करेगा, बराबर है ना, ऐसा ही होता है ना। तो यहां पर क्या होता है कि जो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है ना, वहां पर हम अगर डिस्चार्ज स्ट्रोक की बात करते हैं, डिस्चार्ज स्ट्रोक की, तो डिस्चार्ज स्ट्रोक में क्या होता है कि डिस्चार्ज स्ट्रोक के दौरान पूरा का पूरा एयर डिस्चार्ज नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है पूरा का पूरा एयर डिस्चार्ज? क्योंकि यहां पर क्लियरेंस वॉल्यूम में जो है कुछ एयर रह जाता है, सम अमाउंट ऑफ एयर इज बीइंग लेफ्ट इनसाइड अ क्लियरेंस वॉल्यूम, राइट। और वो जो एयर यहां पर रह जाता है वो एयर का प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक एयर से ज्यादा होता है, है ना। फिर जब हम अगेन दूसरा सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट करते हैं तो पहले क्या होगा, ये जो एयर यहां पर रह चुका है जिसका प्रेशर ज्यादा है, तो ये एयर एक्सपांड होगा, इसका प्रेशर कम होगा, और इसका प्रेशर कम होकर एटमॉस्फेरिक आएगा। फिर जब इसका प्रेशर एटमॉस्फेयर से कम जाएगा तब जाके एयर अंदर आना स्टार्ट होगा, है ना। हम लॉसेस की बात करें तो ये लॉसेस होते हैं वहां पर, आसान में। सो इसलिए यहां पर क्या होता है? एक्सपांशन स्ट्रोक होता है। बट हम यहां पर आइडियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमने क्लियरेंस वॉल्यूम अज्यूम ही नहीं किया है, और हमें क्या अज्यूम करके चलते हैं? एज सून एज पिस्टन विल स्टार्ट मूविंग एयर विल कम इन टू द सिलेंडर, ठीक है। जैसे ही थोड़ा भी पिस्टन का मूवमेंट होगा एयर सिलेंडर में अंदर आना स्टार्ट होगा, राइट। इसलिए हम यहाँ पर डिस्चार्ज स्ट्रोक को निग्लेक्ट कर, हम इसलिए यहाँ पर एक्सपांशन स्ट्रोक को निग्लेक्ट कर रहे हैं, और इसलिए हम यहाँ पर सीधा यहाँ से सक्शन स्ट्रोक स्टार्ट कर रहे हैं, क्लियर है, ओके, समझ में। तो पहला स्ट्रोक होगा सक्शन, दूसरा क्या होगा? कंप्रेशन। अब कंप्रेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो एक एयर को मैं तीन प्रकार से कंप्रेस कर सकता हूँ, आइसोथर्मली कर सकता हूँ, एडियाबेटिकली दैट मीन्स आइसेंट्रॉपिकली कर सकता हूँ, एंड थर्ड वन इज पॉलीट्रॉपिकली पे उसको एक्सपांड कंप्रेस कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पर हम कंप्रेशन कंप्रेसर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्रेसर के बारे में, तो यहाँ पर हम एक्चुअल प्रोसेस की बात करेंगे, एक्चुअल रियल प्रोसेस की, हम यहाँ पर आइडियल प्रोसेस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रियल प्रोसेस की बात करेंगे। तो हमारे पास रियल प्रोसेस कौन सा है? तो रियल प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, कौन सा प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि अगर फ्रेंड्स मैं आपको अगर बात करता हूँ तो जहाँ पर भी हम अब ये कंप्रेसर हम अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग साइकिल्स के अंदर यूज़ करेंगे, जैसे ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, VCR, वेपर कंप्रेशन साइकिल, ब्रेटन साइकिल, रैंकन साइकिल, हर साइकिल के अंदर कंप्रेसर या पंप यूज होता है, है ना। और वहां पर कंप्रेसर हम जब यूज करेंगे तो वहां पर जो कंप्रेशन प्रोसेस यूज करेंगे तो वो पॉलीट्रॉपिक नहीं होगा, वो होगा कौन सा? आइडियाबैटिक, दैट इज आइसेंट्रॉपिक, क्योंकि वो आइडियल प्रोसेस है, ये एक्चुअल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कंप्रेसर के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पर एक्चुअल प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा प्रोसेस? दैट इज अ पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन, ठीक है। सो इसके बाद क्या होगा? कंप्रेशन। कौन सा कंप्रेशन होगा? पॉलीट्रॉपिक कंप्रेशन। और हम अगर कंप्रेशन की बात करते हैं तो कंप्रेस कर रहे हैं अगर हम एयर को, तो क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। और उसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा? डिस्चार्ज।
डिस्चार्ज। और अगर हम डिस्चार्ज प्रोसेस की बात करते हैं तो ये जो डिस्चार्ज प्रोसेस भी जो है हमारा, है ना, अगर हम डिस्चार्ज प्रोसेस की बात करें तो जो डिस्चार्ज प्रोसेस है वो भी क्या होगा, हम अज्यूम करके चलेंगे कांस्टेंट प्रेशर। अब अगर डिस्चार्ज प्रोसेस की बात करेंगे तो उस दौरान प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना, प्रेशर क्या रहेगा उस दौरान कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये है डिस्चार्ज प्रोसेस, डिस्चार्ज, ओके। ये क्या है, सक्शन, सक्शन, एंड दिस इज डिस्चार्ज, ठीक है, ओके। हम इसको वन मान के चलते हैं, वन टू टू, टू टू थ्री, एंड थ्री टू फोर, ठीक है, कंप्रेशन, डिस्चार्ज एंड सक्शन। तो ये हमारा क्या है, साइकिल है, और आप देख सकते हैं साइकिल कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। दिस इज अ पीवी डायग्राम फॉर अ सिंपल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, सिंपल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, ओके, इसको आप ड्रॉ कर लीजिए, सिंपल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ओके, हो गया। सो गिव द नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, वर्क इनपुट टू द, वर्क इनपुट टू द सिंपल रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर, वर्क इनपुट, ओके। अब हमें वर्क इनपुट के बारे में देखना है, तो अगर यहां पर वर्क इनपुट की बात करता हूं, है ना, वर्क डन की बात करता हूं अगर मैं यहां पे, तो वर्क डन यहां पर टोटल वर्क डन कौन कौन सा है, तो वर्क डन देखिए सक्शन प्रोसेस के दौरान वर्क डन होगा, डिस्चार्ज प्रोसेस के दौरान वर्क डन होगा, ओके, एंड कॉम्प्रेशन प्रोसेस के दौरान भी क्या होगा, वर्क डन होगा। तो हमारे पास टोटल यहां पर तीन प्रकार के वर्क हैं, सक्शन वर्क, डिस्चार्ज वर्क एंड कॉम्प्रेशन वर्क, क्योंकि एयर अपने आप अंदर आएगा क्या, नहीं, एयर अंदर अपने आप बाहर जाएगा क्या, नहीं, सो देयर आर टोटल थ्री वर्क्स, ओके। तो पहला कौन सा है, सक्शन, वर्क ऑफ सक्शन, सक्शन, सक्शन प्रोसेस कहां से कहां तक है, सक्शन प्रोसेस है फोर से लेकर वन तक, फोर से लेकर वन तक, और ये कौन सा प्रोसेस है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के दौरान अगर मैं वर्क डन की बात करता हूं तो क्या होता है, W इक्वल टू P इनटू V2 माइनस V1, दैट इज फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, है ना, तो W इक्वल टू P, P इनटू, अगर P की बात करता हूं तो P1 एंड P4 दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो मैं यहां पर P की जगह P1 भी लिख सकता हूं और P4 भी लिख सकता हूं, तो मैं यहां पे P1 लिखता हूं, ओके, ठीक है ना, मैं P1 लिखता हूं, एंड फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज V1 माइनस V4, ठीक है ना, थर्मोडायनेमिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर जगह यूज होगा, हर जगह RAC पढ़े, IC इंजन पढ़े, ठीक है ना, हर जगह यूज होगा, तो बहुत अच्छे से पढ़िए, रट लीजिए पूरा एकदम दिमाग में बिठा लीजिए, ठीक है, देन तो ये हो गया सक्शन। तो W सक्शन की अगर मैं बात करता हूँ, W सक्शन, तो W सक्शन इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे हमारा, सो V4